हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां उन्हें हल करने का आश्वासन दिया गया। झांसी में रहने वाली एक वृद्ध महिला आशा देवी अपनी बहू को लेकर जनसुनवाई में पहुंची। उन्होंने एडीएम के सामने गुहार लगाई कि पिछले दिनों उनके पुत्र की मौत हो गई। इसकी लाश संदिग्ध अवस्था में एम्बा अस्पताल में मिली थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनके पुत्र की किसी साजिश के तहत मौत हुई है। थाने वाले भी मामले में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और अभी हमने कल फोन लगा तो मैं दो तीन दिन बाद आऊँ छुट्टी पे। मेरे आदमी जा नहीं सकते थे, वो एम्बाई तक कैसे गए, कोई नहीं भी उनके साथ गलत हरकत करी है। तो आपको क्या लगता है कोई विवाद किसी के साथ रहा हो? सर, उनका पैसे का लेन देन था 50,000 में। क्या इंसान को इंसान मार देगा क्या? 50,000 में क्या होता है आजकल? मेरे बेटे की जानकारी पूरी चाहिए कि वो 5 मिनट का बोल के गया जो अभी तक नहीं मिला। वो पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। करते भी है तो कहते अभी आना, देर से आना, अभी ढूंढ रहे हैं, अभी जा। उसका है ना 5 मिनट में, हमको 3 दिन बाद में एम्बुलेंस में लावारिस में लाश मिली, वो भी हमने ढूंढी, पुलिस प्रशासन ने ढूंढी नहीं। अगर रिपोर्ट करते हैं तो लिखी नहीं, सब बात में हमने मना कर दिया। और है ना, वो जीवित हालत में था, अगर चाहते ना हमको जिंदा मिल जाता, मगर नहीं मिला। 3 दिन बाद में लावारिस नहीं मिला, उसका वोट जमाना हमने दूसरे दिन कर दिया, सब कुछ उसका खत्म कर दिया। पूरे मामले में एडीएम कैलाश वानखेड़े ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही मामले में जांच करवाएंगे।